कराया, बट दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इतनी अच्छी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट पे इस तरीके से ताला डला हुआ है और ASI ने इसको पूरा बंद कर रखा है। ASI से मना किया गया कि ये गेट नहीं खुलेगा। नहीं साहब, ऐसा है कि ना तो अलाउ नहीं। अच्छा, ड्यूटी वाले नहीं, ड्यूटी वाले रह सकते हैं। और इंदिरा में इसकी जानकारी मिलेगी कि खोलने नहीं देते हैं। ASI ने परमानेंट बंद कर दिया इसे। सो हेलो एंड वेलकम बैक अगेन असलम अल्टीमेट ब्लॉग्स। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल असलम अल्टीमेट ब्लॉग्स में। तो दोषे नहीं देंगे हम, क्योंकि इसको ASI ने मना कर दिया है कि किसी को भी इसके अंदर ना आने दिया जाए और ना ही कोई वीडियो शूट की नहीं कर। आप अपना नाम तो बताइए, आपका नाम क्या है, क्या करते हैं आप यहाँ पर? किसने अलाउड कर मना की है? किसने मना की है? सिकंदरा से मना है? ASI से मना किया गया कि ये गेट नहीं खुलेगा? नहीं साहब, ऐसा है कि वैसे ना तो अलाउ नहीं है। अच्छा, ड्यूटी वाले रह सकते हैं? नहीं, ड्यूटी वाले रह सकते हैं, वो ठीक है। ये ASI की इमारत है, मैं आपके पास समझ रहा हूँ। तो गेट क्यों लॉक क्यों, अंदर से लॉक क्यों लगा रखा है आपने? तो जो इसमें जो वीडियो बन के जा रही है इसमें से, तो वो लोग भी तो ऊपर से बना रहे होंगे। अच्छा, नहीं अंदर से बना के ले गए। अब ये बताइए, हम अंदर कैसे आ सकते हैं? नहीं साहब, मैं तो इस बात को, अरे इधर तो आओ, आप इधर तो आइए। आप अपना नाम तो बताइए, आपका नाम क्या है, क्या करते हैं आप यहाँ पर? ड्यूटी आपकी? तो मतलब ASI से ऑर्डर नहीं है ये खोलने का? नहीं। क्यों, इसकी वजह तो बता दीजिए थोड़ी सी। वो तो मैं आपको जानकारी मिलेगी, आपको मैं आपको नहीं, तो वो बात ठीक है, सिकंदरा जाके जानकारी मिलेगी। सिकंदरा में इसकी जानकारी मिलेगी कि खोलने नहीं देते हैं। ASI ने परमानेंट बंद कर दिया इसे। ठीक है, चाचा दिन में ही लगा ली क्या? अभी तो सो रहे थे चाचा, आप बेकार में आप बता नहीं रहे हो। मैं कह रहा हूँ दिखा दो थोड़ा सा। सो हेलो एंड वेलकम बैक अगेन असलम अल्टीमेट ब्लॉग्स। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल असलम अल्टीमेट ब्लॉग्स में। तो दोस्तों, आज हम आए हुए थे एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन जगह पर, जिसको कि कहा जाता है कि अकबर के घोड़े की कब्र है यहाँ पर। तो मेरे पीछे आप देख ही सकते हैं कि ये है अकबर के घोड़े की कब्र, और सामने आपको दिख ही रही होगी। बट ASI ने इसको परमानेंटली लॉक कर दिया है। तो मैं आपको दिखाऊं कि ये जो आप देख ही रहे होंगे, इधर ये लॉक डला हुआ है इसमें, और सामने बैठे हुए एक अंकल जी, ये आपको इधर सामने एक अंकल जी दिख रहे होंगे इधर से, जो कि जिन्होंने कि ये कहा कि आपको अंदर कोई परमिशन नहीं देंगे हम, क्योंकि इसको ASI ने मना कर दिया है कि किसी को भी इसके अंदर ना आने दिया जाए और ना ही कोई वीडियो शूट की करने दी जाए। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ASI ने ऐसा क्यों किया है। और इन्होंने मुझे बताया कि सिकंदरा से हमें ऑर्डर मिले हुए हैं और ASI के थ्रू ऑर्डर मिले हुए हैं मुझे कि नहीं साहब, आप यहाँ पर इसको कोई किसी को आने ना दिया जाए, जाने ना दिया जाए। बट स्टिल फिर कोई दिक्कत नहीं, बट मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताने के लिए आया था कि जैसा कि आपको पता ही है कि मुग़ल एम्पायर में आप बड़े बड़े राजा रहे, शाहजहाँ रहे जिन्होंने कि ताजमहल बनवाया, और अकबर रहे जिन्होंने कि फतेहपुर सीकरी में एक पूरी राजधानी वो बनाया, फतेहपुर सीकरी को अपना राजधानी बनाया और वहाँ पर फतेहपुर सीकरी बनाया, पूरा आबाद किया। उसी प्रकार से एक चीज़ और पता प्रसिद्ध है और पता भी है लोगों को कि अकबर के समय में 9 रत्न हुआ करते थे, जैसे कि अपना राजा बीरबल हुआ करते थे, और मियाँ तानसेन हुआ करते थे, राजा मानसिंह हुआ करते थे। तो इसी तरीके के काफ़ी सारे उनके समय में 9 रत्न हुआ करते थे। उन 9 रत्नों में से या उन रत्नों में से एक उनका घोड़ा भी था। तो मेरे सामने आप देख ही सकते हैं, ये अकबर का घोड़ा है जो कि जिसका कि नाम था रहबर। तो इसका इस घोड़े का नाम था रहबर। मेरे पीछे आप देख ही रहे हैं पूरा, आपको मैं दिखा देता हूँ बाहर से ही। तो इसका नाम था रहबर। बट दिल्ली से आगरा आते समय अकबर जब आए थे, तो ज़्यादा थकान होने की वजह से घोड़े की मौत हो गई। तो पीछे ही मेरे पीछे इधर से थोड़ी सी दूर पर आपको रेलवे लाइन दिख जाएगी, वहाँ पर ये आज से करीबन 100 साल पहले, करीबन 1922 में ये रेलवे के किनारे ये पूरी ये पत्थर की जो प्रतिमा है, ये मूर्ति है, ये वहीं मिली थी। और उसको इसको वहाँ से ला करके यहाँ
रख दिया गया। तो देख ही सकते हैं इसको वहाँ से ले आए गए और इसके कान टूट गए थे और ये पैर भी वगैरह भी डैमेज हो गए थे, जिसके कारण इसको एक चबूतरा सा बना के उस पर रख दिया गया। और पीछे आप देख रहे हैं ये इतवारी खां की मस्जिद है। इतवारी खां ने जो मस्जिद बनवाई थी और एक कुआं बनवाया था, जो कि सामने इधर ये कुआं है और ये उनकी इतवारी खां की जो मस्जिद है उन्होंने जो बनवाई थी ये वो है, और एक इधर ये कब्र बनी हुई है उनकी। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि इतवारी खान जो थे वो राजा जो थे जहांगीर उनके समय में उनके गवर्नर थे, और गवर्नर होने के साथ साथ वो उनके किले की रखवाली के लिए और जो टकसाल के जो काम हुआ करते थे उनकी देखरेख भी वही किया करते थे। तब शाहजहाँ ने विद्रोह किया जहांगीर से, अपना राजपाट के लिए, जहांगीर से राजपाट के लिए विद्रोह किया। उस समय में इन्होंने इतवारी खान ने ही उनके साथ युद्ध किया शाहजहाँ के साथ और उनको हराया, और सन 1623 में उनकी मृत्यु हो गई। उसी के बाद से उनका यहाँ पे मकबरा भी बना दिया गया। मेरे पीछे आप देख ही रहे हैं, इधर से आपको दिखा देता हूँ, ये आपको मकबरा भी दिख रहा होगा और ये घोड़े की कब्र है, ये घोड़े की, सामने उनकी मस्जिद है, सामने आप देख ही सकते हैं ये मस्जिद बनी हुई है, ये घोड़े की कब्र है और इधर उनकी ये कब्र बनी हुई है। बट मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अकबर जो थे वो वाकई में घोड़ों के बहुत शौकीन हुआ करते थे। उनके समय में सऊदी अरब, पर्शिया, देश विदेशों से तो घोड़े आया करते थे बिकने के लिए, और जो खूबसूरत और ताकतवर हुआ करते थे तो उनको बहुत शौक भी था। तो उनमें से एक जो घोड़ा था, नौ रत्नों में से एक घोड़ा जो उनका था रहबर, तो उसकी कब्र यहीं पर है। बट कब्र ये कहते हैं कि ये उस साइड में मिला था, तो बाद में ला के इनको 100 साल पहले इधर दफना दिया गया, और 100 साल पहले ये जो मूर्ति थी ये वहीं रेलवे लाइन के पास मिली थी 1922 में। तो आप देख ही सकते हैं, ये मैं आपको दिखा रहा था, और इसकी एक खासियत और है, ये पूरी एक स्टोन पे बनी हुई है, ये पूरी एक स्टोन पे बनी हुई है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पूरा इसका विजिट कराया, बट दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इतनी अच्छी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट पे इस तरीके से ताला डला हुआ है और ASI ने इसको पूरा बंद कर रखा है। बट पता नहीं क्यों बंद कर रखा है, इसका तो रीज़न पता नहीं। बट आप मेरे पीछे देख ही सकते हैं इसमें सिक्योरिटी गार्ड हैं, बट उन्होंने हमें अंदर जाने नहीं दिया, और क्या रीज़न है इसका मुझे नहीं पता। बट मैंने आपको इसकी हिस्ट्री दी और इसके बारे में बताया। तो दोस्तों आप इसी तरीके से मुझे अपना प्यार देते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय हिंद।